college, university, for students first, second year of UG, first year of PG, first, second, third year of engineering UG. এগুলো সমস্ত ক্ষেত্রে হে व्हाट्स अप गाइस आई एम आकाश एंड यू वाचिंग आकाश टॉक्स सर बहुत ही बड़ा एक ब्रेकिंग न्यूज़ हो गया है रिलीज कुछ देर पहले न्यूज़ क्या है एंड मैं इतना स्वयं क्यों एक्साइटेड हूं ये न्यूज़ को लेकर हम ये बात करने वाले हैं एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स those who are right now in school, those who are right now in college, दोनों students के लिए बहुत ज़्यादा important news है, and it is also important for all those who are going to giving their boards या फिर जो यार boards के students है, ठीक है? मतलब मैं इतना ज़्यादा excited हूँ कि यार मैं खुद express नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है? और ये हंसने वाला news नहीं है, it is very important news. तो ये news क्या है? तुमने यार जो क्लिप देखे है पहली मतलब वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर ही दैट इज द रिस्पेक्टेड सीएम मतलब इट इज ममता बनर्जी हु इज द रिस्पेक्टेड सीएम ऑफ वेस्ट बेंगल এগুলো সমস্ত ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে এমনকি অন্যান্য জায়গাতেও সিবিসিএস গাইডলাইনস অনুযায়ী একটা করে সেমিস্টার ওরা এগিয়ে যাবে ফাইনাল उन्होंने थोड़ी देर पहले यार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत कुछ बोला स्कूल्स एंड कॉलेजेस को लेके एंड उसका कुछ नॉर्म्स दिया एंड उसका कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिया क्या बोला फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने ये बोला कि यार जितना भी स्कूल्स है दोज हु आर इन क्लास 9 10 मतलब चाहे आईसीएससी आईएससी या सीबीएसई और दो स्टूडेंट्स दोज हु आर इन दैट स्कूल मतलब जो स्कूल वेस्ट बंगाल के अंदर है या फिर जो स्कूल्स यार आईसीएससी आईएससी या फिर गवर्नमेंट से स्कूल है फॉर देम दोज हु आर इन क्लास 9 एंड क्लास 11 एंड अप टू मतलब 1 से लेके 9 तक एंड क्लास 11 तक जितने भी स्टूडेंट्स है तुम लोगों को यू विल इजीली बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास मतलब तुम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रमोट कर देगा I hope right now the thing तुम जो यार देख पा रहे हो तुम लोग यार बंगाली जो लोग यार बंगाली नहीं समझते उनके लिए मैं बोल रहा हूँ एंड जो लोग बंगाली समझते हो वो तो यार ये सब देख के मतलब तुम यार ऑलरेडी नो कि यार क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बट जो लोग बंगाली लैंग्वेज नहीं समझते थोड़ी देर पहले एपीबी आनंद के अंदर एपीबी आनंद मतलब जिस चैनल जिधर आईसीएससी एंड आईएससी का ये जो क्लासेस कंडक्ट किया जा रहा था या फिर कंडक्ट किया गया था उस चैनल के अंदर ये कंफर्म कर दिया कि देयर विल नो एग्जाम फॉर मतलब फॉर क्लास 9 एंड क्लास 11 एंड फ्रॉम 1 टू 8 तो पास पहले बोल दिया था ठीक है एवरीबॉडी विल गोइंग टू पास राइट नाउ सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर कॉलेज स्टूडेंट आइदर यू आर इन कैलकटा यूनिवर्सिटी और यू आर इन अदर कॉलेज लाइक मी ठीक है मतलब ऑल रेस्पेक्टेड ऑल हायर इंजीनियरिंग कॉलेजेस या फिर लॉ जितने भी तुम कॉलेजेस के अंदर हो उसके अंदर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि जो सेमेस्टर होने वाला था ठीक है वो सेमेस्टर दैट विल गोइंग टू बी कैंसिल वो सेमेस्टर कैंसिल करवा दिया जाएगा मतलब पास फॉर ऑल एग्जाम इज कैंसिल फॉर क्लास 9 क्लास 11 तो ऑलरेडी पहले ही बोल दिया गया था चाहे तुम किसी भी बोर्ड के हो क्लास सीबीएसई आईसीएससी आईएससी ठीक है एंड कॉलेजेस के अंदर भी यार ये डिसीजन लिया गया एंड उन्होंने यार ये बोला कि जो नेक्स्ट सेम है मतलब राइट नाउ हम लोग के सेकंड सेम होने वाला था ठीक है बट वो सेम ईयर एंड जो लोग अभी फोर्थ ईयर में है देखो मेरा भी जो भैया लोग है जो अभी फोर्थ ईयर में है फॉर देम एग्जाम होगा ठीक है क्योंकि उन लोग का प्लेसमेंट का सवाल है बट जिन लोग का प्लेसमेंट का सवाल नहीं है लाइक मी ठीक है हमको डायरेक्टली विल बी डायरेक्टली प्रोमोटेड टू द नेक्स्ट सेम मतलब जितने भी कॉलेज स्टूडेंट है चाहे तुम्हारा भैया है बहन है सबको ये खबर अभी के अभी बोल दो कि जितने भी स्टूडेंट्स है दे विल लाइकली टू कैंसिल द सेमेस्टर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ बट इतना एक्साइटेड होना नहीं चाहिए बिकॉज सेमेस्टर अगर होता तो आई वुड रदर से अच्छा होता बिकॉज इस सेमेस्टर के अंदर मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट था लाइक कंप्यूटर एंड ऑल ठीक है सो क्या कर सकते हैं यार ऊपर से हम यार फोर्थ इस सेमेस्टर के अंदर मतलब मेरा यार इस सेमेस्टर का थोड़ा दखल था बोल सकते हो अच्छे से यार कोडिंग वगैरह किए थे मेरे इंटरेस्ट भी ठीक है कोई नहीं यार बट द मेन न्यूज है कि सेमेस्टर इज बीन कैंसिल्ड क्लास 9 एंड 11 विल बी प्रोमोटेड टू योर नेक्स्ट क्लासेस बट अभी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है जितने स्टूडेंट आईसीएससी एंड आईएससी के साफ साफ बोल दिया उस वीडियो क्लिप के अंदर जाके देख सकते हो या फिर एपीबी आनंद जो लाइव न्यूज चैनल है उधर जाके देख सकते हो क्या बोला जितने भी स्टूडेंट दोज विल गोइंग टू गिव योर आईसीएससी एंड आईएससी फॉर देम तुम्हारा जो एग्जाम है वो 10 जून के बाद एग्जाम होगा 10 जून के बाद तुम्हारा जो बचे हुए एग्जाम्स है वो एग्जाम होगा ये मतलब कंफर्म कर दिया अभी तक सीआईसी काउंसिल ने कुछ भी कंफर्म नहीं किया बट जितना चीज कंफर्म किया बाय आवर रेस्पेक्टेड सीएम ममता बनर्जी ने उन्होंने क्या बोला कि यार आफ्टर 10 जून यू विल हैव योर एग्जाम चाहे तुम 12वीं के बच्चे हो चाहे तुम क्लास 10 के बच्चे हो तुम लोगों के लिए यार मेरे जैसे इतने एक्साइटेड वाला मजाक वाला जिंदगी नहीं है ठीक है मतलब मेरा भी यार मजाक नहीं है सेमेस्टर कैंसिल करवा दिया तो बोल सकते हो इट्स अ काइंड ऑफ ठीक है बट तुम लोग यार एग्जाम होगा कोई नहीं यार एग्जाम होना चाहिए दैट इज अ वेरी गुड थिंग एंड तुम लोगों के लिए एग्जाम होगा सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट ठीक है एंड डीयू मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी भी ऑलरेडी सेमेस्टर कैंसिल करवा दिया आई होप तुम सब लोग देख पा रहे हो तो दैट इज अ न्यूज फॉर टुडे इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज यार वीडियो को यार फैला दो
आई थिंक अभी अगर वेस्ट बंगाल के अंदर लिया गया तो यार होल इंडिया के अंदर ये सारे चीज लिया जाएगा, आई थिंक सो। तुम्हारा क्या ओपिनियन है मेरे को बताना जरूर नीचे कमेंट में, एंड मैं चाहता हूँ ये वीडियो हर कोई जो देख रहा है यार एटलीस्ट 3 लोगों तक शेयर करेगा प्लीज यार, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, इंपॉर्टेंट नोटिस, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, चाहे कुछ भी बोलो, ठीक है। सबसे ज्यादा न्यूज एजुकेशन वाला न्यूज वो कहाँ मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ इस चैनल के अंदर, ठीक है। सो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गया जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। सो तब तक के लिए चलते हैं, सी या, हैव अ गुड टाइम, फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आई विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग, ठीक है। सो गुड बाय, गुड नाइट एंड बेस्ट ऑफ लक।